नमस्कार दोस्तों, एक सास और बहू के झगड़े का अंत किस प्रकार हुआ, आज मैं ये कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं पहली बार सास और बहू जैसे विषय पर बोल रहा हूँ और इस भरोसे के साथ बोल रहा हूँ कि हर बहू को मेरा ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और हर सास को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये जो आज का मेरा वीडियो है, एक सास और बहू के झगड़े को लेकर के है और देखिए कि ये झगड़े का अंत कहाँ होता है। इसके पृष्ठभूमि को समझिए कि मैंने अपने जीवन में जितने सास बहू देखे हैं उसमें से 90% सास बहू में मैंने झगड़े और विवाद ही देखे हैं। 100 में 90 सास बहू के जोड़ी को आप देखेंगे तो इनमें एक तरह का तनाव होता है। मैंने तो कम से कम अपने इस पूरे जीवन में जितने भी सास बहू देखे हैं, लगभग 10 में 9 केस की सास और बहू के बीच एक हल्की सी कोल्ड वार, दुश्मनी टाइप का, झगड़ा टाइप का मैंने हमेशा देखा है। और आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ही कुछ सिखा जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसे सास बहू की कहानी है जिनके बीच इतना झगड़ा होता था कि बात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गई कि एक दिन बहू ने सोच लिया कि अगर ये सास ख़त्म ही हो जाए तो अच्छा है। प्यारे दोस्तों, आज इस सास बहू की कहानी को सुनने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मेरे 1782 यानी 1782 सब्सक्राइबर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और 450,000 व्यूज, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। और मैं हर दिन एक वीडियो ऐसा बनाता हूँ मोटिवेशनल, जिसमें आप सभी को कुछ सीखने को मिलेगा। और आज आपको सीखने को मिलेगा कि सास और बहू के बीच जो झगड़ा है वो कहाँ तक पहुँच सकता है या फिर उसका समाधान क्या हो सकता है। तो आज की कहानी में सास ने बहू को इतना परेशान कर दिया होगा या फिर इन दोनों के बीच इतनी अनबन हो गई कि बहू ने सोचा कि यह सास समाप्त ही हो जाए तो अच्छा है। तो एक दिन बहू के पिताजी घर पर आए तो उस बहू ने अपने पिताजी को बताया कि जो मेरी सास है वो मुझे सुबह से रात तक कुछ न कुछ कहते ही रहती है, ताने मारती है, उलाहना देती है, सुनाती है, शिकायत करती है, मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। बहू के पिताजी ने बहुत ध्यान से सुना अपनी बेटी की पूरी शिकायत को और अपनी बेटी को आश्वासन दिया कि कुछ उपाय निकालते हैं, तुम्हारी सास का दिमाग ठिकाने लगाने का कुछ उपाय निकालते हैं। क्योंकि बहू के पिताजी ने कहा कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ, मैं कोई ना कोई उपाय निकालूँगा जिससे तुम्हारी सास या तो सुधर जाए या रास्ते से हट जाए। अब ये झगड़ा सास बहू का बढ़ते चला जा रहा था प्रतिदिन सुबह से रात तक। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण को समझिए, क्यों होता है सास और बहू के बीच झगड़े का मुख्य विषय क्या है, मुख्य कारण क्या है। जिस बच्चे को एक माँ जन्म देती है, 18-20 साल पाल पोस कर बड़ी करती है और एक दिन वही बच्चा बड़ा होकर के अपनी बीवी का हो जाता है, हर माता को ये लगता है कि इस बच्चे को मैंने जन्म दिया, मैंने अपना दूध पिलाया, पाला पोसा और आज ये लड़का मेरी नहीं सुनता, अपने बीवी की सुनता है। इस बात को लेकर के दुनिया में जितनी माताएं हैं इस बात की ईर्ष्या करती है कि मेरा बेटा अब किसी पराई औरत का हो गया। और सभी औरतें इस कारण से अपने बहू से हमेशा एक द्वंद में, झगड़े में रहती है। माफ़ कीजिएगा, सभी नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे सास भी है, मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं जो ही बताऊँगा उनमें से बहुत सारा मेरा अपना अनुभव है। मैं ऐसे सास को भी जानता हूँ जो अपनी बहू के लिए माँ से बढ़कर है, मेरे अपने जीवन का ये अनुभव है। मैं अपने जीवन में ऐसे कई सास को जानता हूँ जो अपनी बहू को बहुत ध्यान रखती है, बहुत प्रेम करती है और जितना प्रशंसा करे कम है। और इसका रिवर्स भी मैंने देखा है कि मैंने अपने जीवन में ऐसे बहू देखे हैं जो अपनी सास को अपनी माँ से बढ़कर प्रेम करती है, आदर करती है, सेवा करती है, सम्मान करती है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी सास बहू में, लेकिन आज की कहानी में जो सास बहू का झगड़ा था ये बात बिगड़ते चला गया और बहू ने अपने पिताजी को
कंप्लेन किया कि मेरी सास मुझे तंग करती है, इसको हटाना है। एक सप्ताह बाद उस बहू के पिताजी आए और एकांत कमरे में दोनों में मिल कर के कुछ बातें हुई। बहू के पिताजी ने कहा कि देखो बेटी, मैं कुछ दवाई का पुड़िया लाया हूँ। एक्चुअली ये दवाई का पुड़िया नहीं है, ये जहर का पुड़िया है। लेकिन अचानक ही अगर सास को जहर दे देगी और वो मर जाएगी, फिर तो तुम कैसे फंस जाएगी, पुलिस कैसे फंसेगी। इसलिए इस जहर को थोड़ा थोड़ा करके देना है। रोज़ाना एक पुड़िया अपनी सास को तुम दूध में मिला करके पिला देना, फिर देखना 10-20 दिन में तुम्हारी सास दुनिया से चली जाएगी। बहू को ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, बोले चलो भाई स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे करके सास मरेगी, मेरे पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा और जीवन का झंझट भी खत्म हो जाएगा। और इतना राय दे करके बहू के पिताजी ने कहा कि दो बातें और। पहली बात कि इस जहर के पुड़िया को रात को 9 बजे के आसपास दूध में मिला के अपनी सास को पिला देना। रोज़ रात को दूध में इस जहर के पुड़िया को मिला करके अपनी सास को पिला देना। इसके बाद नींद जरूर आनी चाहिए, इसलिए नींद लाने के लिए अपनी सास के माथे पर उनके बालों में तेल मालिश कर देना, ताकि उनको नींद आ जाए। क्योंकि जब उनको नींद आएगा तो ही ये जहर काम करेगा। अगर फिर भी सास नहीं सोती है तो उनके हाथ पैर में चंपी कर देना, थोड़े हाथ पैर दबा देना, ताकि उनको नींद आ जाए। यानी हर हालत में इस जहर को पीने के बाद तुम्हारी सास को नींद आनी चाहिए, ये याद रखना। सबसे पहले रोज रात को 9 बजे के बाद दूध में ये जहर का एक पुड़िया मिला देना है, उसके बाद सास के बालों में तेल की जंपी करना है और उसके बाद उनके पैर को दबा देना है, ताकि वो सो जाएं और जहर अपना काम करते रहे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखते समय आप इतना जल्दी हैरान व परेशान मत होइए, इस कहानी को पूरा सुनिए, उसके बाद ही कोई कंक्लूजन निकालिए। मैं चाहूँगा कि इस कहानी को आप लोग पूरा सुने, और न सिर्फ सुने बल्कि आप देखेंगे कि ये कहानी हर बहू हर सास तक पहुँचनी चाहिए, कि सास बहू का झगड़ा कहाँ तक मामले को ले जाता है। इस तरह से धीरे धीरे तुम्हारी सास खत्म हो जाएगी। और इतनी सी ये राय दे करके उस बहू के पिताजी, माफ़ कीजिएगा, एक फ़ोन आ रहा है, हाँ एक फ़ोन आ रहा था, सॉरी। तो इसके बाद से बहू ने यही करना शुरू कर दिया। अगला दिन से बहू दिन भर वो प्लान करती थी कि सास को जहर देना है, और इसके लिए दिन भर उनके साथ अच्छा बिहेव करती थी, और रात होते ही 9 बजे बिल्कुल बार बार बोलती थी कि माँ जी दूध पी लीजिए, माँ जी दूध पी लीजिए। और सास तो जब से शादी हुई थी उस बहू की, तब से वो रोज़ झगड़े करती थी, लेकिन बहू अब पीछे पड़ जाती थी रात 9 बजते कि सासू माँ दूध पी लीजिए, सासू माँ बहुत रात हो गई सो जाइए। सासू माँ तो चिढ़ती थी, झगड़े करती थी, लेकिन वो दूध पीती थी। सोचती थी भाई दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो दूध पीने में क्या अर्ज है। तो सासू माँ दूध पी लेती थी, उसके बाद बहू बोलती थी आइए माँ जी हम आपके बालों में तेल लगा देते हैं। तो सास को भी लगता था कि यार जब से घर में बहू बन के आई है तब से झगड़े कर रही है, और अब ये आज मेरे बालों में तेल लगाएगी। चलो, बहू ने सास के बालों में तेल लगाया, उसके बाद सास ने कहा ठीक है अब जाओ तुम सो जाओ। बहू बोलती ऐसे कैसे सो जाएंगे, सबसे पहले आप सोएंगे तब हम सोएंगे ना, आइए आपका हम पैर दबा देते हैं। और उसने सास के पैर भी दबाए और वो सास को नींद आ गई, सास सो गई। बहू बहुत खुश हो गई कि अब मेरा जहर काम करता होगा। इस तरह से प्रतिदिन बहू का 24 घंटे का यही काम था, सास को दूध पिलाना, उनके बालों में तेल लगाना, उनके हाथ पैर दबाना। 15 दिनों में जब जहर का पुड़िया खत्म होने लगा तो बहू ने गौर किया, यार मेरी सास का हेल्थ तो जहर है तो हेल्थ को ख़राब करेगा ना, पर इनका हेल्थ तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है हमको। बहू को आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है, सासू माँ का हेल्थ बिगड़ने के बजाय बनते जा रहा है। और दूसरी तरफ जब बहू रोज़ रात को दूध पिलाती थी अपनी सास को, और बालों में तेल लगाती थी, हाथ पैर में चंपी करती थी, और जब चली जाती थी, तो सास के मन में होता था यार मेरा बहू
जिससे हम इतना झगड़े करते हैं, इतना कुछ सुनाते हैं, इतना ताने देते हैं, ये मुझे अपने हाथों से दूध पिला रही है, ये मेरे बालों में तेल लगा रही है, ये मेरे हाथ पैर में चंपी कर रही है। तो सास को भी एक बार पछतावा होने लगा कि मैं जो 2 साल से इस बेचारी को इतना तंग करती थी वो मैंने अच्छा नहीं किया। धीरे धीरे प्रतिदिन सास का व्यवहार बहू के प्रति अच्छा होने लगा। अब सुबह से रात तक बहू तो इस इंतजार में थी कि कब सास मरेगी, और सास जो है ये रात भर सोचती थी कि मेरी बहू मेरी सेवा करती है तो मैं भी इसके लिए कुछ करूँगी। तो अगला दिन से रोज़ सुबह से सास भी अपने बहू के लिए जहाँ तक बन सका उसके लिए अच्छा करती थी, झगड़े भी नहीं करती थी और कुछ बाहर से सामान ला के भी खिलाती थी। अब सास अपनी बहू की बहुत सारा देखभाल करने लगी। बहू को तो इंतज़ार था कि कब सास मरेगी, जहर का रोज़ रात को जहर का पुड़िया देना। फिर एक दिन वो जहर का पुड़िया ख़त्म हो गया तो बहू ने अपने पिताजी को फ़ोन करके बुलाया। बहू के पिताजी घर पर आए और बोले, हाँ बोलो कैसा चल रहा। बहू ने कहा, मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है, आप जो जहर हमको दिए थे, जहर की पुड़िया हमको दिए थे, ये पीने के बाद सासू माँ का डेथ होना चाहिए था, इनका हेल्थ ख़राब होना चाहिए था, तो धीरे धीरे उनका वज़न बढ़ते जा रहा है, चेहरे का लाइट बढ़ते जा रहा है, सुंदरता बढ़ते जा रही है, स्वास्थ्य बढ़ते जा रहा है, कुछ उटपटांग हो रहा है। तो फादर ने कहा, एक काम करते हैं, हम कल तुमको और ख़तरनाक वाला जहर ला के देते हैं जिससे वो एक ही रात में साफ हो जाएगी। बहू ने कहा कि लेकिन जहर लाने की ज़रूरत नहीं है। बहू ने अपने पिताजी को कहा कि जहर लाने की ज़रूरत नहीं है। पिताजी ने कहा, क्यों, सास को मारना नहीं है। बहू ने कहा कि रोज़ सुबह सुबह सास मेरे लिए इतना कुछ करती है, दिन भर सास मेरे ही सेवा में लगी रहती है, सास मुझसे झगड़ा भी नहीं करती है 15 दिनों से, ऐसे में सास मर जाए ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। नहीं, जहर मत लाइएगा, सास जी को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी है वो। बहू के पिताजी ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारी सास तो बहुत झगड़ती थी, तुम उनके मरने की सोचती थी, आवाज़ बोल रही कि जहर मत लाइए, सास अच्छी है, झगड़ा नहीं कर रही है, बहुत प्यार कर रही है, एक बात बताओ सास को मारना है कि नहीं मारना है। और बहू ने कहा, देखिए पिताजी, जब सास मेरे से झगड़ा करती थी तब मेरे मन में बुरे विचार आते थे, लेकिन अब सास 7 दिन मेरा सेवा कर रही है तो मैं उनके मरने के बारे में क्यों सोचूं, छोड़िए जहर लाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ सास के दिन दिमाग में चलता था कि मेरी बहू जब रोज रात को अपने हाथों से दूध पिला रही है, मेरे पैर दबा रही है, मेरे बालों में चंपी कर रही है, ऐसी बहू से मैं झगड़ा क्यों करूं। इस तरह से इधर से सास के मन में बहू के लिए प्रेम जगने लगा और बहू के मन में सास के लिए प्रेम जगने लगा। तो बहू के पिताजी ने कहा, देखो बेटी, अब मैं जा रहा हूँ, तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, सास को मारना है कि नहीं मारना है। बहू ने कहा, नहीं मारना है हमको, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी सास बहुत प्यारी है, मेरी सास माँ के समान है, और उसने सास के तारीफ के पुल बांध दिए। तब बहू के पिताजी ने कहा, अब तू मेरी बात सुन। बहू के पिताजी ने कहा, तू मेरी बात सुन, जब तुमने पहला दिन कहा था कि मेरी सास झगड़ा करती है, ताने मारती है, उलाहने देती है, इस सास से मुझे मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, अगर मैं तुमसे समझाता कि एक बेटी के लिए जब वो शादी कर लेती है उसका ससुराल ही उसका सब कुछ हो जाता है। पिताजी अब समझा रहे उसको, अपनी बेटी को, कि जब तुम्हारी शादी इस घर में हो गई तो ये तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य है कि अब तुम्हारे पति ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, न कि तुम्हारे पिता। ये और बात है कि पिता का सम्मान तुम्हारे नज़र में बना ही रहेगा, लेकिन आज अगर देखा जाए तो तुम्हारे पति का स्थान तुम्हारे लिए पिता से बढ़कर होने चाहिए। दूसरी बात कि तुम्हारी जो सास हैं या तुम्हारे ससुर हैं उनका स्थान अपने माता पिता से बढ़कर होना चाहिए। यहाँ बहू के पिताजी अपनी बेटी को समझा रहे हैं कि देखो बेटी, जब एक भारतीय
पुत्री जब शादी करके विवाह करके अपने ससुराल आती है तो उसके लिए उसका पति ही सबसे बढ़कर होता है। उसके सास ससुर का स्थान बहू के अपने माता पिता से भी ऊंचा होता है और ससुराल के जितने भी सगे संबंधी हैं, चाहे देवर हो, ननद हो, जो कोई भी हो, इस परिवार को अपना लेती है और ज़रूरत पड़ने पर इस ससुराल के परिवार के लोगों का महत्व मायके के लोगों से ज़्यादा होता है। तो तुमने जब पहला दिन कंप्लेन किया कि मेरी सास मुझसे झगड़ा करती है, मुझे लगा कि अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी आ रही है, लेकिन तुम्हें समझाने से अच्छा मैंने सोचा इसको कुछ प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं। तो बहू के पिताजी ने विटामिन वाला दवाई का वो पुड़िया लाए थे, जो पुड़िया बहू के पिताजी ने ये कह के दिया कि ये जहर की पुड़िया है, वो जहर की पुड़िया नहीं थी, वो विटामिन्स की पुड़िया थी। और विटामिन्स के पुड़िया को दूध में मिला करके अगर तुम अपने सास को पिलाएगी तो पहली बात कि उनका हेल्थ अच्छा होगा, दूसरी बात मैंने तुमसे कहा था उनके बालों में चंपी कर देना। अगर बहू अपने सास का सेवा करेगी तो सास भी आज नहीं तो कल अपने बहू को प्यार देगी ही देगी। उसके बाद मैंने तुमसे कहा था कि अपने सास के पांव दबा देना, हाथ दबा देना, चंपी कर देना। अगर कोई बहू अपने सास के पैर दबाएगी, चंपी कर देगी, वो सास कब तक उससे नाराज़ होगी, आज नहीं तो कल अपनी बहू को प्यार करेगी। इस तरह से मैंने तुम्हें एक उदाहरण से ऐसा मैंने करवाया कि तुम प्रतिदिन अपने सास को अपने हाथ से विटामिन वाला दूध देती थी, अपने सास के बालों में चंपी करती थी, अपने सास को के हाथ पैर दबाती थी, धीरे धीरे सास के मन में तुम्हारे लिए प्रेम बढ़ने लगा और तुम्हें भी दिखने लगा कि जब मेरी सास मुझे प्रेम कर रही है तो मैं सास के खिलाफ क्यों सोचूं। इस तरह से सास और बहू के झगड़े का निपटारा हो गया। कैसे हुआ? बहू के पिताजी के चतुराई से। देखने वाली बात यहाँ है, इसमें इस कहानी में आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब एक बहू ससुराल आती है तो ससुराल और मायके के बीच का जो सामंजस्य है, जो एडजस्टमेंट है, उसको समझना चाहिए और जहाँ तक हो सके हर बहू का जो उसके पिताजी होते हैं उनका यह कर्तव्य है कि ससुराल को जोड़े न कि तोड़े। इस कहानी में बहू के पिताजी ने अपनी बेटी के संबंध को सास के साथ और मजबूत किया, प्रेमपूर्ण किया, उजागर किया। गलत तब हो जाता है जब कोई बहू अपने पिताजी से कंप्लेन करती है कि मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरे ससुर अच्छे नहीं हैं, और अगर बहू के पिताजी कहने लगे कि जाओ पुलिस में कंप्लेन कर देना, सास ससुर को जेल हो जाएगा, ऐसा वैसा उल्टी सीधी राय लोग देने लगते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो आज के मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि एक बहू और सास के बीच जो ये सैकड़ों साल से हजारों साल से जो चला आ रहा है दोनों का तनाव, मैं अपनी कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूँ ये सॉल्व हो जाए। हर बहू अपने सास की खूब सेवा करे और हर सास अपने बहू को खूब सारा दुलार और प्रेम करे तो परिवार चलता रहेगा। मेरे सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ मेरी इस कहानी को, पहली बात ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी मेरे एक दोस्त हैं धर्मेंद्र मिश्रा, कल शाम को उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई कि एक लोक कथा है। आज जो मैंने आपसे कहा वो कोई समाचार नहीं है, वो एक लोक कथा है और लोक कथा के माध्यम से आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र मिश्रा जी को धन्यवाद करता हूँ जिनसे मैंने ये कहानी सीखी, कि आप सभी लोग जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को बहू को और सास को दोनों को दिखाइए। ईश्वर करे कि बहू और सास में प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो कि लोग कहें कि ये सास बहू नहीं माँ बेटी है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।